शीला जीत है मेरे पास। चलो चलो जल्दी चलो, पता नहीं क्या हो रहा है। ओ भाई यहाँ तो गिरा भी हुआ है, लटकते लटकते गिर भी रहा है। अच्छा पत्थर गिर रहा है, है? क्या हो? आगे तो अभी जस्ट गिरा। ये अभी गिरा ना, सामने गिरा। यस। ट्रक फंसे हुए हैं। हाँ सीन क्या भाई? हाँ ये तो लाइन लगा पड़ा है। हो सकता है कहीं रोड का काम भी ना किया जाए। ओए होए फंस गए क्या हम? पाजी रोड का काम चल रहा है क्या? नहीं सर, टैंकर फंसा हुआ है। अच्छा टैंकर निकल गया? निकल गया, नीचे चला गया था, उसको खींच के निकला है। अच्छा अच्छा, ऑल सेफ ना? हाँ वो कल के खजल थे हम। अच्छा कल के फंसे हुए थे। एटीट्यूड का इतना ये हुआ ना, फूल गए ना। हाँ इसका पेट फूल गया, ये तो ऐसा लग रहा है फटवट ना जाए। हाँ ये फटफट आ जाएगा ना तो गाड़ी में ही फैलेगा फिर मेरे को और परेशानी। इसको इसके अंदर ही रखते हैं ताकि फटे भी तो अंदर ही फैले। बाकी देखो भाई हमने ना अपने साथ जो भी हमने अभी भुजिया खाया ना तो उसका रैपर भी अपने पास ही रखा है, उसको कहीं बाहर नहीं फेंका है। यहाँ इधर मेरे पास भी है नीचे, ये देखो। तो रैपर अपने पास रखो, अभी जब नेकी भाई के पास कैंप साइट पे पहुंचेंगे तो वहां पे डालेंगे डस्टबिन में। हाँ ये तो पूरी बैठने वाली जगह है, देखो ना ये जेसीबी लगा है ना, इससे निकाला होगा उन्होंने। ऊपर से तो पूरा लैंडस्लाइड हुआ पड़ा है यहाँ से। क्या है? हाँ यहाँ से ना, हाँ साइड कर रहा होगा बेचारा। और भाई यहाँ से नीचे तो देखने लायक भी नहीं है भाई। बच गया भाई, एकदम साइड में थी, एकदम साइड में। वो भैया कह रहे ना इतने से बचा भाई साहब। लोड होते हैं हाँ, इसके कैपेसिटी अभी लिखा हुआ था ना पीछे 12,000 लीटर, तो 12,000 kg तो ऐसे ही हो गया। यहाँ तो रोड पे पूरे पत्थर हैं। नदी आई है भाई, नदी है ना, और साथ साथ में ऊपर से पत्थर लेके आ रही है। हाँ, ये तो फिर अपने साथ पूरा मलबा लेके आते हैं। हाँ तो कितना ही रोड बना लोगे यार, पत्थर पे गाड़ी जाए रोड टूटता ही रहेगा। सामने वाली ट्रक कुछ देर में गायब हो जाएगी, दिखेगी नहीं अगर हम यहाँ रुक गए तो। इतना फॉग है, फॉग मतलब क्लाउड है। भाई फिलहाल जो टेम्परेचर है वो 9 डिग्री है, मतलब 9 डिग्री हो गया भाई, क्या जबरदस्त है ना। वो तो देख के ही पता चल रहा होगा भैया ठंड है यहाँ पे। और ना हल्का हल्का सा विंडो खोला है ताकि लिटिल लिटिल वेदर आता रहे और हम अंदर आराम से कंफर्टेबली जैकेट में बैठे रहें। थार कहीं भी निकल जाती है भाई, थार को टेंशन नहीं है ना। आ तो गए मुंह उठा के, इसमें एक तो बाहर नहीं निकल पाएंगे, दूसरा दिख क्या रहा है? दिख तो कुछ रहा ही नहीं है, पानी दिख रही है विंडशील्ड पे और पूरा पूरा क्लाउड्स के अंदर है। रोहतांग का बोर्ड भी दिखेगा नहीं, नजर आएगा नहीं, पता नहीं चलेगा। देखो सामने गाड़ी है, घाटी है, वो नहीं पता चल रहा है कि यहाँ टर्न है। जब सामने आ गए तब पता चल रहा है। भाई सेल्फी ले रहे हैं इसी में, गजब भाई हिम्मत। इतनी सारी गाड़ी देख के हमें समझ में आ गया कि अब रोहतांग पहुंच गए। नीचे लगाए क्या गाड़ी? ये पार्किंग है। पार्किंग है, कहाँ लगाए? हम तो यहाँ पे लगा रहे हैं कहीं साइड पे। ये मैगी खाएंगे इधर, यहाँ पे भी साला जाम ही लग जाता है ना। पासेस का साला यही प्रॉब्लम है। कुछ खाए क्या? आओ ना यहीं पे खाएं। हाँ यहाँ बढ़िया लग रहा है भाई। अभी थोड़ा सा क्लाउड हटा है तब देखो, ये सामने आपको गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नज़र आ रही। इधर निकी भाई भी नज़र आ रहे हैं, फोटो बॉम्ब कर रहे हैं, बट गाड़ियाँ ज़्यादा हैं। हाँ सारे लोग तो प्रिपेयर्ड हैं। ये भाई कोई पहना ही नहीं है, ये भाई अंदर इनर पहना है ना तो दिख नहीं रहा है। भाई इसमें बैठ के ना तो बुरा हालत हो जाए, इसका सस्पेंशन भी थार की तरह है ना। हाँ इसका सस्पेंशन भी थार की तरह है। और यहाँ पे देखो आप सामने आपको बर्फ दिख रहा है, ये देखो क्या जबरदस्त लग रहा है भाई। भाई यहाँ पे मैगी और चाय बोला है भैया को। हाँ अंदर बैठ के अपना मस्त मैगी चाय खाए। मैगी बना देना भैया मस्त, मिर्च पर डालना सुबह याद आए आपकी। हाँ मिर्च डाल दोगे तो सुबह याद करूंगा प्यार से। नहीं कितने की मैगी भैया?
ये वैसे क्लाउड्स तो सारे चले गए हैं और अपन यहाँ चाय एंजॉय कर रहे हैं, बट ना पता है ड्रिजलिंग हल्की हल्की हो ही रही है, मतलब वो बूंदाबांदी जो है ना, इस वजह से यहाँ पे ना ड्रोन नहीं उड़ा सकते यार। अब नीचे आर्मी के कैंप के पास भी ड्रोन नहीं उड़ा सकते, तो मूड बहुत ख़राब हो रहा है। तो यहाँ से जो ड्रोन शॉट्स आते हैं ना भाई, एक नंबर आते। अभी नवंबर 15 के बाद ये सारा चीज़ खाली हो जाएगा, सारे लोग नीचे चले जाएंगे, यहाँ पे आपको कोई नहीं मिलेगा और रोहतांग आप आ नहीं सकते हो। तो नवंबर 15 के पहले अगर देख रहे हो तो आ जाओ, बाकी बर्फ़ का कोई भरोसा नहीं है भाई। नवंबर 15 का डेट कोई लक्ष्मण की लकीर नहीं है, उससे पहले भी अगर बर्फ हुई तो यहाँ पे सारा बर्फ भर जाएगा और ये रोड ब्लॉक अगले 6 महीने के लिए। भाई इतनी ठंड है ना अभी फिलहाल यहाँ पे, पता नहीं अभी टेम्परेचर नहीं दिखा रहा, ब्लूटूथ कनेक्टेड दिखा रहा है, अभी इसको कनेक्ट करते हैं जीपीएस से, उसके बाद पता चलेगा। मेरा तो टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम में एक टायर का प्रेशर कम बता रही है, क्योंकि ठंड में एयर कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, तो उसके वजह से कम बताया। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन वापस से मनाली की जर्नी, और मनाली की जर्नी होगी सीधी, मतलब सीधी रास्ती इन द सेंस कि यहाँ से हम कोकसर होके जाएंगे, अटल टनल क्रॉस करते हुए मनाली पहुंचेंगे। शिलाजीत है मेरे पास। पहले बताओ शिलाजीत ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट? ओरिजिनल है सर, यार लास्ट टाइम डुप्लीकेट लिया था, मेरा एक दोस्त ले गया था। दोस्त ले गया, आप यूज देखो, पहचान देखो कैसे यूज कैसे करें। दूध में साहब। नहीं यूज करके यहाँ पे कहाँ यूज करें, यहाँ कहाँ यूज करोगे, घर में यूज करना है साहब। मजाक कर रहे हैं, नहीं चाहिए, चलो ओके। ये वाली है देखो, प्योर चीज मिलेगी इधर जेन्युइन, आपके शहर में तो काफी महंगी करके। अरे मध्य क्षेत्र में कितनी बहुत महंगी होती है ये, 800 रुपए तोला है ये। हाँ बहुत महंगा, इतना तो भैया इतना तो डीजल डलवा लेंगे, कल चंद्रताल जाना है। फिर क्या हो गया साहब, ये बॉडी की नौकरी करेगी, ये थोड़ी करेगी नौकरी साहब। बॉडी की नौकरी कैसे करेगी, बॉडी को पालेगी ये साहब। बॉडी को कैसे पालेगी, खाने की जरूरत नहीं पड़ती इसके बाद, खाएगी जब भी तो नौकरी करेगी बॉडी की। मैं समझा नहीं, समझे नहीं। हाँ बॉडी की समझाओ भाई। कैमरा बंद कर, कैमरे में नहीं समझाना है। राजस्थान से हो आप? नहीं, अरे क्या आधार कार्ड यहीं का है, अमर सिंह नाम है आपका, तो नाम ही अमर है, इसकी जरूरत ही नहीं है आपको। हाँ इसकी तो जरूरत ही नहीं है। चलो केसर मिलेगी? नहीं नहीं भैया, लास्ट टाइम लेके गया था वो, रंग छोड़ दिया वो भाई। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो ना तो इन भाइयों के चक्कर में मत फंसना, केसर और ये शिलाजीत एंड ऑल ये सारा फेक है, मतलब उस समय तो आपको इतना कन्विंस कर देंगे ना भाई, ले ही लो, बॉडी को पाल रही है, बॉडी के लिए 800 रुपए तो दे सकते हो है भाई। Yes. आपको लगता है ना कि ये सही काटते हैं? पूरी तरह से बराबर इनके पास, लेकिन पूरा डुप्लीकेट है भाई, कुछ पूरा डुप्लीकेट है ना, उसमें रंग मिलाते हैं बस, हो गया। रोहतांग से जब आप अटल टनल की तरफ आगे बढ़ते हो ना, तो आपको रोड्स बहुत अच्छे मिलते हैं, क्योंकि लाहौल वाला साइड आ जाता है, तो रोड्स बहुत अच्छे हैं, मतलब प्रॉपरली बिल्ट हैं। प्लस यहाँ पे थोड़ा सा लैंडस्लाइड कम होता है, यहाँ पे उतना ज्यादा नहीं, यहाँ पे लैंडस्लाइड कम है ना, उधर बारिश कम होती है। हाँ रेन शैडो एरिया कहते हैं इसको। बहुत गलत जगह नहीं खड़े यहाँ तो, ऊपर से लटक रहा है पत्थर। ओ भाई यहाँ तो गिरा भी हुआ है, लटकते लटकते गिर भी रहा है। हाँ क्यों नहीं चल रहे हैं भाई, आप चलो 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 जल्दी चलो। कह रहे अच्छा ये सारे आगे चले गए थे, चलो फिर नहीं गए हुए। हाँ चलो चलो हम निकाल लेते हैं, चलो चलो जल्दी चलो। पता नहीं क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो गया? अच्छा पत्थर गिर रहा है, चलो हम भी। अच्छा यहाँ से पत्थर गिरा है? हाँ। यहाँ से पत्थर गिरा है, चलो चलो जल्दी चलो, इसीलिए कह रहे हैं। ओ तेरी, निकाल लो भाई निकाल लो। ये रिस्की, अभी कह रहा था इधर लैंडस्लाइड नहीं होता। भगवान कह रहे अच्छा हमसे बदतमीजी, ये सारे पत्थर गिरे हुए हैं, क्या हो? आगे तो अभी जस्ट गिरा, बड़ा पत्थर गिरा। हाँ ये अभी गिरा ना, सामने गिरा। यस देखते रहना ऊपर। चलो 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 चलो। शिट यार, शिट 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 शिट, जस्ट गिरा ना। हाँ इधर भी जब बारिश हो रही तो इस इधर ही, क्योंकि इधर ना पोली मिट्टी है। हाँ उसमें ये ज्यादा बेट सह नहीं कर पाती है, तो गिरता रहता पूरा प्रोग्राम भाई। डर लगता है ना ऐसे पत्थर। हाँ। वत्थर बड़े पत्थर है ना, बड़े पत्थर। छोटे हाँ, पत्थर तो चलो झेल जाए उठा भी सकते हैं वो। हाँ। क्लियर कर सकते हैं, तो
बाड़ा तो सामने आ गया तो सीधे घाटी में ले गए। शुभ शुभ बोलो भैया, बोलो शंकर भगवान की जय, जय माता रानी। भाई यहाँ से कोकसर है 2 किलोमीटर और कल हमें इसी रास्ते में थोड़ा ऊपर तक आना है, ग्रम्फू करके एक जगह है जहां से चंद्रताल के लिए ऑफ रोड स्टार्ट होता है। ये जो सामने आपके राइट हैंड साइड पे जितने भी पहाड़ दिख रहे हैं ना, कल अपन को इसी पहाड़ के पीछे जाना है। मतलब यही एक से दूसरे पहाड़, दूसरे से तीसरे, और यहाँ पे जैसे आपने गाड़ी अभी 50-60 की स्पीड पे मेंटेन करके चल रहे हैं ना, कल ये नहीं होगा। कल गाड़ी सिर्फ चलेगी पहले गियर पे और एक एक नंबर या मैक्सिमम 2 नंबर पे, ठीक है, और लगाना पड़ेगा 4x4, क्योंकि भाई चंद्रताल जब लास्ट टाइम गए थे ना, सही में इतना दुखदाई था ना वो ट्रिप, इतना दुखदाई, इतना दुख हुआ था ना, लेकिन दुख शरीर को हुआ था, जो अंदर से अंतरात्मा को जो खुशी मिली थी ना, उसके लिए हम वापस जा रहे हैं, अंतरात्मा को खुश करने और शरीर को तंग करने। ये पहुंच गए जी हम कोकसर, और यहाँ पे आपको बहुत सारे ना होटल कैंप्स टाइप के छोटे मोटे मिल जाते हैं, प्लस खाना मिल जाता है। तो यहाँ से ना सोच रहे हैं यार एक बार देसी खाना खाया जाए, यहाँ का मटन राइस और चिकन राइस बड़ा फेमस है, तो देखते हैं। लास्ट टाइम एक जगह पे रुके थे, मतलब मेरा एक्चुअली फिक्स रहता है ना, एक जगह पे रुक गया और वो जगह पसंद आया ना, तो फिर हमेशा उसी जगह पे, आई थिंक यही वो जगह है। हेलो भैया, कैसे हो आप? कैसे हो आप? चिकन राइस या मटन राइस? चिकन राइस है। चिकन राइस है, ठीक है, 2 प्लेट, ठीक है, मस्त से एकदम, और प्याज उसके साथ वो तुम, हाँ बाय डिफॉल्ट है। हाँ, और कुछ है? स्पाइसी कैसा रखना है? हाँ स्पाइसी नहीं रखना है, ये भैया हमारे फेवरेट है, जब भी कोकसर आते हैं भैया के पास रुकते हैं, तो भैया का शॉप हमने खोज ही लिया। सामने भाई एक वाटरफॉल टाइप का है। सर में हल्का दर्द हो रहा है ना निकी भाई? हाँ, एल्टीट्यूड ग्लाइम और डिसेंट किया उसके वजह से पानी नहीं पिया यार, ये गड़बड़ किया, मेरे सर में भी हल्का दर्द हो रहा है। अभी यहीं पे बैठेंगे आराम से, अपनी गाड़ी उधर साइड में लगा दी है और यहीं पे बैठ के चिकन और चावल खाएंगे। भैया को पहचान गए थे हम, थैंक यू भैया। ये आ गया जी अपना खाना, मस्त, हाँ चावल एंड देसी चिकन, इसका जो टेस्ट है ना भाई, पहाड़ों के खाने का अलग ही टेस्ट है भाई। भाई अपना 320 रुपये में खाना हो गया इधर, अब यहाँ से निकलते हैं। प्लस भैया ने 2 चीज़ें बताई, वो बैठ के बताते हैं आपको, बड़ी खुशी की बात है, आपको शेयर करने में बड़ा मज़ा आएगा मेरे को। ये सांसें फूल रही हैं यार निकी भाई, खाना वाना खा के सांसें फूल रही हैं, सांसें फूल रही है और ठंड भी हो रही है, ठंड भी हो रही है ना। चलो पहले कैमरा घुमाएं, इधर लगाएं। हाँ तो भैया किस्सा कुछ ऐसा है कि भैया ने यहाँ कहा कि चंद्रताल का रास्ता कल सुबह बंद था, आज खुल गया है और वहाँ पे कैंपिंग भी हो रही है, मतलब वहाँ पे कैंप वैम्प भी सेटअप है। अगर आज भी सुबह जो यहाँ से गाड़ियाँ हैं वो, सॉरी डकार आ रहा है, बर्प्स, आज भी सुबह जो गाड़ियाँ हैं वो 8:30 बजे यहाँ से गई हैं और चंद्रताल पहुँच गई हैं, तो कोई टेंशन नहीं है, आप जा सकते हो चंद्रताल आराम से। आप सुबह कोशिश करो कि जितना जल्दी हो उतना जल्दी यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से 5 घंटे तो भैया बता रहे हैं, हमें पता है कि हमें कम से कम 6 से 7 घंटे लगेंगे, प्लस एटलीस्ट 2-2.5 घंटे नेगी भाई के कैंप साइट से यहाँ तक, यहाँ तक, हाँ 2-2.5 घंटे वहाँ तक लगेगा। बाकी हमने ऐसा च्युइंगम विंगम ले लिया है, ठीक है, खाते पीते चलेंगे भैया। हाँ चलो, कल के व्लॉग में चंद्रताल देखने को मिलेगा, पता नहीं कल मिलेगा या परसों मिलेगा, मिलेगा जरूर चंद्रताल इस ट्रिप पे देखने को। क्या बोला? बोलते हैं भैया कल हम चंद्रताल भेज देंगे लेकिन एंट्री करवाना जरूर। अच्छा पक्का भाई? सही है सही है सही है। नेगी भाई, हाँ जी, डायमोक्स खा लिया जाए क्या आज? लग तो यही रहा। हाँ ना, अभी तो तुरंत सर में दर्द होने लगा था ना, हाँ, क्योंकि एल्टीट्यूड सडन राइज, फिर पहले असेंट हुआ रोहतांग ऊपर चढ़े, फिर रोहतांग से नीचे उतरे, तो अभी देखते हैं कोई मेडिकल शॉप यहाँ पे मिलेगा तो प्लान यही कर रहे हैं कि, या फिर मेरे पास शायद बैग में अवेलेबल होना चाहिए, अभी देख लेंगे।
ये इतना वो नहीं हो जाए तो बोल नहीं सकते ना, वही वाला वही वाला वही वाला पीडी पीडी जिसको कहते हैं पीडी। पूरा लबालब कर लेना भैया। हाँ ठीक है, जीरो चेक कर लिया। निकी भाई आज ही साला कमर दर्द हो रहा है, पीठ वीटा कर रहा है। नेगी भाई को चलाने में तो नहीं आता ना कि नेगी भाई को मैं बोलूं कि नेगी भाई तक मैं थोड़ा इंस्टा चेक कर लूं, पूरे टाइम फोन पे लगे रहे। नेगी भाई आपका सही है यार, उतना बॉडी रोल नहीं है, मैंने कहा एक बार चलाओ तो सही। लेकिन फुल मजा है ना ऑफ रोडिंग में, मजा है भाई, एक नंबर। हाँ एक नंबर मजा है भाई। अभी चाय शाय पीते हैं, लैपटॉप लगाते हैं अंदर, ठीक है। आज एक ग्रुप आया हुआ था, उनको डीजे में डांस वांस करना था, भैया कोई डांस ना हो रहा, सब बारिश ने बर्बाद कर दिया। या शुक्रिया। इससे क्या होता है, शुगर पीने से टट्टू का कैंसर, टट्टू का कैंसर होता है।